मध्य प्रदेश की अयोध्या कही जाने वाली राम राजा की नगरी ओरछा एमपी की चौथी वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी। इसके डोजियर और को यूनेस्को ने मंजूरी दे दी है। ओरछा अब यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है। परमानेंट लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर और डॉक्यूमेंटेशन का काम पिछले साल पूरा किया गया था। डोजियर को केंद्र सरकार ने यूनेस्को को विश्व धरोहर कमिटी को सौंपा है। 2027-28 के लिए केंद्र सरकार ने ओरछा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने के लिए अनुशंसा की है। हर साल केंद्र सरकार देश की एक धरोहर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में नॉमिनेट कराने के लिए यूनेस्को को अनुशंसा करती रहती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे राम राजा सरकार की नगरी ओरछा मध्य प्रदेश की चौथी विश्व धरोहर बनने जा रही है। यूनेस्को की आधिकारिक घोषणा के पश्चात ओरछा नगरी देश की एकमात्र राज्य संरक्षित विश्व धरोहर बन जाएगी। केंद्र सरकार ने संस्कृति पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग की पूरी टीम और मध्य प्रदेश के टूरिज्म विभाग तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी।